जी सत श्री अकाल जी सारयां नूं, मैं तुहाडा अपना गुरप्रीत सिंह एक बार फिर हाजिर हां तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ते। सो अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक है उह रैम रोम ते सीपीयू बारे जिहड़ी है जानकारी मैं तुहानूं दऊंगा। सो काफ़ी मेरे भरा ने जिन्हां ने कमेंट कीते सी कि सीपीयू बारे जिहड़ी सानूं जानकारी है उह दिओ। सो अज जिहड़ी आपां गल करनी है उही है कि रैम की चीज़ हुंदी है, मैमरी की चीज़ हुंदी है ते सीपीयू की चीज़ हुंदा है ते इन्हां दा की कम है, ए बारे जी मैं जानकारी है वह तुम दूंगा। जेकर तुम मेरे चैनल से नवे हो तो मेरे चैनल में वध तो वध शेयर करो तो सबसक्राइब जरूर करो। सो जिहड़ा कि बेसिक तो लैके जिथों तक हो सके कि कंप्यूटर की जानकारी है जी मैं तुम्हें वह दिता रहूँगा इस चैनल से। सो शुरू कर दें इसका टॉपिक रैम मैमरी ते सीपीयू। जो भी असि बाजार जाने कोई लैपटॉप लैण जा फिर कोई कंप्यूटर लैण चाहे मोबाइल लैण तो असि ये चीज जरूर देखते हैं कि इसकी रैम की है, इसकी मैमरी की है, सीपीयू केड़ा है। साडे लई इह समझना बहुत जरूरी है कि सीपीयू की है, इसका काम की है। सो पहला गल आपां करदे आ मैमरी दी। जिहड़ी मैमरी है वह बेसिकली कंप्यूटर च तीन तरह की हुंदी है, प्राइमरी मैमरी, सैकेंडरी मैमरी ते कैच मैमरी। पहला आपां गल करदे आ प्राइमरी मैमरी दी। जिहड़ी प्राइमरी मैमरी है इह भी अगे दो तरह की हुंदी है, एक रैम ते दूजी रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मैमरी, रैम की फुल फॉर्म है जी हैगी है रैंडम एक्सेस मैमरी। यह मैमरी है जी कंप्यूटर च डाटे नूं स्टोर करन दा काम करती है, मतलब जदों तक असी उस डाटे नूं कोई फाइल नाम उस फाइल नूं जां उस डाटे नूं जदों तक असी कोई नाम दे के अपने कंप्यूटर दे विच सेव नहीं कर लैंदे उदों तक उस डाटे नूं जिहड़ा उह स्टोर करके रखदी है। मन के चलिए जिवें असी कोई वर्ड ते या एक्सल ते कोई भी परफॉर्मा बना रहे हैं, ठीक है, जो तक असी उसनू सेव नहीं कीता उदों तक जिहड़ा उह जिहड़ा डाटा असी लिख रहे हैं जिहड़ा कुछ असी लिख रहे हैं उसनू स्टोर करदा है उह जदों तक असी सेव नहीं करदे। यह मैमरी उदों तक ही काम करती है जदों तक कंप्यूटर दे विच जिहड़ा उह लाइट हैगी है। जेकर कम कर रहे हैं अचानक लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो जिहड़ा डाटा इसने स्टोर किया वह सारे का सारा जिहड़ा डाटा है वह डिलीट कर दूगा, ठीक है जी। सो यह मैमरी है जिहड़ी जिन्ना टाइम असी कम कर रहे हैं वह जिहड़ा कम हो रहा है वह डाटा है जिहड़ा उसनू स्टोर करन दा जिहड़ा वह कम करती है बिना सेव किते। रैम है जिहड़ी बेसिकली दो तरह की हुंदी है, स्टैटिक रैम मतलब जाने की एस रैम, डायनेमिक रैम जिवें कि डी रैम, ठीक है जी। सो इस तो बाद जी अपनी मैमरी दूजी मैमरी सैकेंडरी मैमरी, जी सैकेंडरी मैमरी है इसनों अलग तो जोड़िया जाता है, सैकेंडरी मैमरी अलग तो जोड़िया जाता है तो यह स्टोरेज के काम आती है, यह मैमरी स्टोरेज के काम आती है, इसलिए इस मैमरी सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है जी। प्राइमरी मैमरी नालों इसकी जी स्पीड है वह घट होती है, पर जिहड़ी इसकी स्टोरेज कंपैसिटी है वह प्राइमरी मैमरी नालों जिहड़ी है वह ज़्यादा होती है अते लोड पैण ते इसनू असी घटा भी सकते हैं ते लोड पैण ते इसनू असी वधा भी सकते हैं। सो जिहड़ी सैकेंडरी मैमरी है बेसिकली वह है जिहड़ी चार तरह की हुंदी है, पहली हैगी है मैगनेटिक टेप, दूजी हैगी है मैगनेटिक डिस्क जिवें कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क होगी, तो तीजी हैगी ऑप्टिकल डिस्क जिवें सी डी होगी, डीवीडी होगी, तो चौथी हैगी यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिवें पेन ड्राइव होगी, ठीक है। सो ये सी अपनी सैकेंडरी मैमरी जिस चार तरह दियां मैमरी हुंदियां ने। उस तो बाद आ गई अपनी कैच मैमरी। कैच मैमरी का जिहड़ा साइज है वह बहुत ही छोटा हुंदा है, पर जिहड़ा कंप्यूटर की मेन मैमरी है उस दे नालों जिहड़ी इह मैमरी है कैच मैमरी वह बहुत ज़्यादा तेज हुंदी है। सो इसलिए इसनू सीपीयू दी मैमरी है जिहड़ा वह भी कहा जाता है, ठीक है जी। इस तो बाद आ गया अपना
सीपीयू की होंगे, सीपीयू की जी फुल फॉर्म है वह पहला भी दसी है मैं, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, कंप्यूटर का प्रायमरी यूनिट होंगे ये, ठीक है, जिहड़ा इंटरैक्शन जिन्हों प्रोसैस कर काम करता है, ठीक है, ये लगातार ओपरेटिंग सिस्टम ते एप्लीकेशन नू चलाउंदा है, ते इनपुट किए गए डाटे नू प्रोसैस करके आउटपुट दिंदा है, ठीक है जी। जिवें असी कीबोर्ड तो कोई कमांड देती, मन के चलो मेरा नाम है कीबोर्ड तो लिखता गुरप्रीत सिंह, तो सानू मोनीटर राही वह प्रोसैस करके सीपीयू प्रोसैस करके गुरप्रीत सिंह जिहड़ा उसकी आउटपुट है सानू मोनीटर दे उत्ते शो करता है, ठीक है जी। सो इनपुट दे के इनपुट लैके उसनू प्रोसैस करके ते जिहड़ी उसकी आउटपुट है वह सानू देण दा जिहड़ा वह कम करता है। सो सीपीयू नू बेसिकली बहुत काफ़ी नामों नाल वैसे जाने जाता है, जिवें कि प्रोसैसर भी कहा जाता है, सेंटर प्रोसैस भी कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी नाम ने इसनों, ठीक है, जिन्हां नाल ये जाने जाता है। सो सीपीयू के जिहड़े कंपोनेंट्स ने वह मेन तीन कंपोनेंट्स होंदे ने सीपीयू दे, पहला हैगा स्टोरेज यूनिट ते मैमरी यूनिट, दूजा हैगा कंट्रोल यूनिट, ते तीजा हैगा ALU यानी अर्थमैटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है जी। सो इस दे विच जिहड़ा पहला यूनिट है वह हैगा स्टोरेज मैमरी ते एंड मैमरी यूनिट, ठीक है। सो पहला गल करांगे स्टोरेज की ते मैमरी की। सो स्टोरेज का मतलब कि यह डाटे नूं जिहड़ा स्टोर करके रखती है, ते यह कंप्यूटर दे जिहड़े दूजे यूनिट ने, कंप्यूटर दे जिहड़े बेसिकली दूजे यूनिट ने उन्हां नूं लोड़ पैण ते जिहड़ी जानकारी है वह भी दिंदी है, ठीक है जी। जिवें रैम रोम हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है जी, इहदा जिहड़ा इह कम करदी है, ठीक है। उस तो बाद आ गया अपना वह आ गया कंट्रोल यूनिट, बेसिकली कंट्रोल यूनिट के नाम तो ही पता लग रहा है कि इसका कम है जिहड़ा वह कंट्रोल करना ही है। सो इसका जिहड़ा मतलब है कंट्रोल करना कि कंप्यूटर के जिहड़े सारे पार्ट ने उन्हां दे ऑपरेशन नूं जिहड़ा कंट्रोल करन दा वह कम है जिहड़ा वह कंट्रोल यूनिट करदा है। उस तो बाद आ गया अपना तीजा ते लास्ट ALU अर्थमैटिकल लॉजिकल यूनिट, यह जिहड़ा यूनिट है बेसिकली दो पार्ट च जिहड़ा वह डिवाइड किया हुंदा है, पहला हुंदा है अर्थमैटिकल सैक्शन ते दूजा हुंदा है लॉजिकल सैक्शन। जिहड़ा अर्थमैटिकल सैक्शन है इसका जिहड़ा कम है वह मैथ नाल जुड़े जिन्हें भी प्रॉब्लम ने उन्हां नूं जिहड़ा सोल्व करन दा कम करदा है, मैथ नाल जुड़े सारे जिन्हें भी प्रॉब्लम ने उन्हां नूं हल करन दा जिहड़ा यह कम करदा है, जिवें एडिशन हो गया डिवीजन हो गया, इहो जिहे मैथ नाल रिलेटिड जिहड़े ने भी हैगे ने ना उन्हां नूं जिहड़ियां उन्हां दीआं प्रॉब्लम ने उन्हां नूं सोल्व करन दा जिहड़ा यह कम करदा है। ते उस तो बाद दूजा आ गया लॉजिकल सैक्शन, लॉजिक सैक्शन का कम बेसिकली जे आप कह लिए तो लॉजिक सैक्शन है लॉजिक ओपरेशन जो पूरा करता है, लॉजिक सैक्शन का कम है जो लॉजिक ओपरेशन ने जोड़े ना उन्होंने पूरा करना है, जिमें कि किसी न तुलना करना, किसी न मिलान करना, ठीक है, मैच करना, ठीक है जी, ये जेडे सारे कम ने यह लॉजिकल सैक्शन के ने, ठीक है जी। सो इस तो बाद सीपीयू किन्नी तरह के होंगे ने, वैसे तो सीपीयू अज तक काफ़ी तरह के जोड़े सीपीयू ने वो आ गए, पर जोड़ा शुरू शुरू चले शुरू शुरू से वह है सिंगल कोर डुअल कोर, ठीक है, ऑक्टा कोर, ये काफ़ी तरह के जोड़े सीपीयू ने हूँ तक भी कोर के जोड़े सीपीयू ने इंटेल कोर वगैरह ये सारे जोड़े चल रहे हैं, ठीक है जी। सो अज का टॉपिक इस बस यही सी कि रैम की होंगी है, मैमरी की होंगी है, सीपीयू बारे भी अज तुहानू दस्या भी सीपीयू की हुंदा है, ठीक है, प्रोसैसर यह जिहड़ी जानकारी अज मैं तुहानू उम्मीद है कि तुहानू अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक है वह समझ जरूर आया होगा। हाँ जी, किवें लगी मेरी वीडियो लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो, ते नवीं नवीं अपडेट लई मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो, कंप्यूटर नाल रिलेटेड मैं तुहानू बेसिक तो लैके जिहड़ी जानकारी है वह सारी मैं तुहानू दिंदा रहूंगा। सो इंस्टाग्राम ते फेसबुक का जिहड़ा लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन दे विच पाता, सो सारे जने उत्थे जिहड़ा जाके मैनू परसनली ने जिहड़े वह मैसेज कर सकते हैं। सत श्री अकाल।